सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तान आपको बता रहा है। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद केंद्र ने ये फैसला लिया है। बोर्ड परीक्षा में छात्रों के लिए अहम बदलाव की गई है। जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की शुरुआत 16 फरवरी से होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की डिटेल टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक यूपी बोर्ड परीक्षाएं होली से पहले ही संपन्न हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र होली का त्यौहार अच्छी तरह से मना सकेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 8752 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जबकि पिछले साल यानी बोर्ड परीक्षा 2022 में 8373 परीक्षा केंद्र बनाए गए। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 58,67,000 परीक्षार्थी हैं, जिनमें हाई स्कूल की परीक्षा में 31,16,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट में 27,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होली से पहले ही खत्म हो जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। ऐसे में एग्जाम एडमिट कार्ड इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर लाइव। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक और मार्किंग स्कीम भी रिलीज कर दी। परीक्षा की सब्जेक्ट वाइज डेट से रिलीज की जा चुकी है। 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम अभी जारी है, जो 14 फरवरी को खत्म होने वाले हैं। थ्योरी परीक्षाएं शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता। कोरोना को देखते हुए कई राज्यों ने अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही स्कूल और कॉलेज को बंद रखने के लिए निर्देश दिया है। बताया है कि इस साल भी कोरोना का संकट आ गया है। मामलों को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल फिलहाल बंद है। ऐसे में अब 10वीं और 12वीं के छात्रों पर संकट आ गया है। मामले ज्यादा मिले तो छात्रों के लिए घातक हो सकता है। छात्रों की साल भर की मेहनत खराब हो सकती है। यदि आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए या नहीं, या आपको बिना किसी परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। यूपी बोर्ड के सभी छात्र सतर्क हो जाओ, बोर्ड परीक्षा में एक नया सिस्टम लागू हो गया है। सिर्फ एक गलती से कट जाएंगे 20 नंबर। यूपी बोर्ड परीक्षा में रखें इस बात का ख्याल। यदि आप भी 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।